हिमालय के जंस्कार वैली में सफर का दूसरा दिन। आज की सुबह कल के मुकाबले थोड़ी अलग थी। कल जहां हम सुबह सुबह भीड़भाड़ वाले मनाली में बाइक पैक कर रहे थे, वही आज रिलैक्स मोड में थे। सुबह सुबह कैंप से बाहर आते ही सूरज के पहले किरण के साथ जो राहत मिली, भाई दिल एकदम खुश हो गया। कल रात टेम्परेचर कितना लो हो चुका था, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो। ऊपर आसमान में बादलों का खेल चालू था और नीचे इन वादियों में ठंडी हवा बह रही थी। आज हमें कुछ भी जल्दी नहीं थी। इधर हम जैसे अट्टे कट्टे लोग ठंड से जूझ रहे थे और बाहर ही बच्चा बड़ी बेफिक्री से खेल कूद रहा था। उसे जैसे ठंड की कुछ परवाह ही नहीं थी। हमें ये पहाड़ बचपन से ही पसंद है, इसलिए हर साल हिमालय की ओर भागने वाले हम लोग इस बात से पूरी तरह से ज्ञात थे कि ये इलाका काफी चैलेंजिंग है। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया, इस सफर के पहले दिन ही ऑलमोस्ट 3000 मीटर अल्टीट्यूड गेन करने के बाद हम AMS का शिकार हो गए थे। AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये एक संभावित घातक स्थिति है जो शॉर्ट ड्यूरेशन में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद तीव्र हाइपोक्सिया के कारण होती है। कल मनाली से शुरू हुए इस सफर में हम लोगों ने 3450 मीटर का एलिवेशन गेन बस कुछ घंटों में हासिल किया था और यही वजह थी AMS हीट होने की। वोमिटिंग, सरदर्द, हल्के से चक्कर आना, ये AMS के कुछ कॉमन सिम्टम्स है। हाई अल्टीट्यूड पे आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। AMS को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा पानी पीते रहना होता है। और दूसरी बात, हमेशा स्लोली अल्टीट्यूड गेन करें। यानी जो सफ़र हम लोगों ने 8 घंटे में पूरा किया था, वही अगर हम दारचा नहीं तो जिस्फा में एक स्टे लेके 2 दिन में ये सफ़र करते तो इसका असर शायद कम होता। फिर भी इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत आम बात है पहाड़ों में। हालत कितने भी खराब क्यों ना हो, हमेशा इस बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए रहना। जनाब, उस दिन पता चला कि सांस सिर्फ खेलने कूदने से ही नहीं बल्कि शांत बैठने से भी फूल सकती है। बिना वक्त गवाए हम लोगों ने पैकअप किया और सारा कचरा समेट के कैंप साइट को साफ करके अगले सफर पे निकल पड़े। We didn't even leave a single piece of plastic behind. दरअसल कल हम लोगों ने जिस नदी के किनारे कैंप लगाया था वो थी कुर्ग्याक रिवर, और ये वैली में से कुर्ग्याक रिवर बहती है, इसलिए इस वैली को कुर्ग्याक वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जहाँ हमें लेके जाएगी उस एंड तक, इसी नदी के किनारे अब हमें चलना था। नदी का विस्तार इतना बड़ा है कि पूरा रास्ता नदी में से होके गुजरता है। कल के मुकाबले आज हमारा सफर फास्ट ट्रैक से स्लो ट्रैक पे आया था, मानो जैसे जिंदगी अचानक फिफ्थ गियर से सीधे फर्स्ट गियर पे आई हो। सफर जारी था। अब जबकि रफ्तार कम हुई है तो आप बोर ना हो इसलिए एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक छोटा बच्चा हुआ करता था जो कि एक बड़े और जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, बढ़ती उम्र के साथ उसको रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, उसकी बस की बात नहीं है। हम में से जो भी इंट्रोवर्ट लोग हैं वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। वो बच्चा आज़ाद रहना चाहता था, ना फैमिली से ज़्यादा दूर, ना फैमिली के एकदम पास, बस आज़ाद। उसके फैमिली मेम्बर को जब इस बात का पता चला तो वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे। परिवार वालों का कहना था कि अकेला रहना आसान नहीं। उन्होंने ये भी समझाया कि अकेले रहने के लिए ये दुनिया ना फ्रेंडली है ना तुम्हारे लिए सेफ, ये दुनिया बहुत ही कठोर है। लेकिन उस नन्ही सी जान को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना मन बना लिया था और कुछ भी बिना सोचे समझे उसने अपना घर छोड़ दिया। आज मैं जब भी उस कहानी के अकेले बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मेरे नज़रों के सामने आता है ये पहाड़।
पहाड़ी नहीं एक इमोशन है। ये पहाड़ दर्शाता है दृढ़ता को, निश्चय को, जीत को। जीत, उस बात की जीत जो उसे बाकी दुनिया से अलग रास्ता चुनने को मजबूर करे। ये पहाड़ हमें दिखाना चाहता है कि कैसे कोई बाकी दुनिया से अलग दिख सकता है, कैसे आप अपने दिल की बात सुने और स्ट्रांगली उसे फॉलो करें। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें परवाह नहीं। जब आप भीड़ में खुद को देखते हो तो काफ़ी आम महसूस करते हो, लेकिन ये पहाड़ हमें सिखाता है कि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में कैसे अपने आप को खोजें। दरअसल ये माउंटेन हम में से हर एक में बसा है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे जानने की। आज इसी यूनिकनेस के वजह से तिब्बतियन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले स्थानिक लोगों में ये पहाड़ बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत लोग इसे गोम्बो रंजन, गुम्बोक रंजन ऐसे विविध नामों से प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन चाहे कुछ भी हो, नाम का अर्थ एक ही है, गॉड्स माउंटेन। लद्दाख और झंस्कर रीजन में जितने भी पहाड़ है वो किसी न किसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है, लेकिन इन सब माउंटेन्स में बाकी सब पहाड़ों से अलग, अकेला, बेलाग और बुलंद ऐसा गोम्बो रंजन, ये सिर्फ एक ही पहाड़ है जो बसा है दारचा पदुम रूट पे। अगर आप दारचा साइड से आते हो जैसे हम लोग आए, तो आपको ये पहाड़ रास्ते में सामने की तरफ दिखाई नहीं देगा, तो अगर ध्यान ना हो तो ये माउंटेन आपकी नज़रों से छूटने की बड़ी संभावना है। लखांग से निकलते ही 3 से 4 किलोमीटर बाद आपको बहुत सारी कैंपिंग साइट्स और एक दो ढाबे दिखाई देंगे। जब आप इसमें से किसी भी जगह रुक के पीछे देखते हो तो आपको दिखाई देगा ये बड़ा पहाड़। जब हम लोग इस पहाड़ के ठीक नीचे थे तब हमें इसके भव्यता का अंदाज आया। ये जगह सच में इतनी सुंदर है कि उस सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस छोटे से ढाबे में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी स्टैंडिन भाई से गपशप। बहुत ही बढ़िया है। भेजो भेजो, कैसे हो दोस्त? बढ़िया एकदम, मजे में। हाँ, कहाँ से आए? मुंबई और पुणे। बहुत अच्छे भाई। चल चल, चालू रखो चालू रखो चालू रखो। हाँ, और क्या। यूरोप साइड, जर्मनी, फ्रांस, जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज में मिलेगा। गार्लिन भुगताल के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है। अब आप लोग है ना, यहाँ जाके भुगताल नहीं देखा ना, फिर झंस्कर आना अधूरा होते है। सच बोल रहा हूँ मैं, अधूरा है। फिर 1870-80 से यूरोपियन टूरिस्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ओके, तो 99% पूरा भुगताल के लिए आते हैं। लामा जी की यही बात सुन के हमारे मन में जो फुकतर गोम्पा के लिए क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ गई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल अगर हमें कहीं जाना है तो फुकतर गोम्पा ही जाएंगे। हाँ, झंस्कर में मतलब उसके लिए आते हैं। जितने भी लद्दाख में जो ट्रेक करते हैं। ये रोड भी मतलब अभी 2-3 साल पहले ही बना है ना? जी हाँ, रोड 2-3 साल पहले। उसके पहले मतलब चल के ही लोग आते थे। उससे पहले पूरा वो तरचा है, घोड़े का घोड़े का रास्ता ना, उधर से ट्रेक करते थे। मतलब सिंगल चलने के लिए रास्ता था। हाँ, दर्चा से लेकर लामा यूरी तक 1 महीने का पूरा ट्रेक। 1 महीने का? ओके, देखिए मचा था। ये रास्ता है ना, पहले क्या था, पहले जमाने में शिंकुला ये सब नहीं था, पूरा ग्लेशियर पास गई है। ओके, क्योंकि ये ग्लोबल की वार्मिंग से है ना, आप देख लो ग्लेशियर कितना फास्ट मेल हो रहा है। शिंगुला में कोई ग्लेशियर नहीं देख रहे ना? नहीं 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 देख रहे ना, ये मेलिंग हो गया, नहीं तो पूरा जम गया, पूरा ग्लेशियर पूरा मेलिंग हो गया। अभी साउथ सर्वे का काम हो गया पूरा। अभी और टनल बनेगा ना उधर? बनेगा, वर्ल्ड है, बहुत टाइम लगेगा। टनल बहुत छोटा टनल है। तो आपके लिए कैसा है, मतलब ये अच्छा है कि क्या ये सब हो रहा है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। दो चीज है, इसमें दो चीज है। हाँ, घटा इसलिए लोग ज्यादा आने लाता है। हाँ, कचरा बढ़ता है। हाँ, हम जो एक बार बोलेगा ना वो 10 बार उल्टा बोलता है। बराबर है ना, फायदा तो ये लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा उठाने का हमारा वो ईजी हो जाता है, घर के सामने गली पहुँच जाता है, फोन भी चल जाता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं, बैठे बैठे घर से बात कर सकते हैं। इकोनॉमी में अच्छा डेवलप हो जाएगा,
और इन्वायरमेंट में बहुत घटा आएगा, बहुत खराब हो जाएगा और लोगों का लालच आगे बढ़ जाएगा लोकल लोग का। अभी हम जैसे कि अभी हम नदी से पानी पीता है, हाँ 10 साल के बाद देखिए पानी पीने का लायक नहीं होगा। जो हमारे लोग ऐसा है ना, जहाँ सामान लेके आते हैं वो खाली करके लेके नहीं जा सकते हैं। किसी यूरोप में क्या थे, अब 10 केजी उठा के आया आपने, 10 दिन में ख़त्म हो गया ना, खाली कागज़ उठा के लेके जाने में क्या है, कुछ नहीं है ना। हम क्या करते हैं, कागज़ भी उधर ही फेंकना है, खाली चीज़ उधर ही फेंक के जाए पूरा उठाएंगे, इसलिए बहुत घटा है ना। नदी का कोई खराब हो जाता है, जो पानी खराब ग्लेशियर मेलिंग हो जाता है प्लास्टिक की वजह से ना, पोल्यूशन की वजह से। तो अभी ये टूरिज्म के पहले आपका क्या मतलब काम धंधा क्या था? टूरिज्म के पहले तो है ना हमारा क्या होते थे, खेती बाड़ी का काम होता है। खेती बाड़ी? हाँ, खेत का काम होता है। वो बस 6 महीना रहता होगा ना? हाँ, 4-5 महीना होता है और बाकी पैसे का लेन देन नहीं होता हमारा, चेंजिंग होता ना। हाँ, अब मेरे को क्या बोला, यूं देगा, मैं आपको या बटर देगा, पूरा चेंज होता है इधर उधर, बार्टर जैसा। क्या बोलता है उसको, बार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें चेंज होता रहता है, लेन देन पूरा चेंजिंग में, पैसे का कोई मतलब नहीं है। वो अंदर वाला विलेज है, उधर भी अभी ऐसा ही चलता होगा ना? ऐसे चलता है, अभी तो थोड़ा डेवलप होने लगा ना, थोड़ा लोग पैसे के ऊपर बातें रहता है, ये तो पहले जमाने में ऐसा नहीं था। तो अभी 4 महीना खेती, बाद में बाकी का महीना फिर भी हम घर में जैसे याक पला हुआ। हाँ, याक को देखभाल करना, घास खिलाना, उसको पानी में छोड़ना, लेकिन बाकी बाहर तो सब बर्फ रहेगा, तो सब बंद, मतलब किधर आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। ओ, जा सकते यार, वो कोई चादर ट्रक जैसा, क्योंकि क्या होता है हमारे रिवर जम जाता है ना। हाँ, रिवर के ऊपर जाते हैं। हाँ, वही रूट पकड़ के विंटर में है ना, 9 महीने से 6 महीना हम पूरा रिवर में जाते हैं, एक ही रास्ता आता है। तेंजिन भाई ने जो आज की मास टूरिज्म की रियलिटी बताई है ना, वो एकदम ऑन पॉइंट थी। अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको आपकी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन तुरंत मिल गया होगा। तो आप अगर यहाँ आते भी हो तो बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, क्योंकि आप यहाँ कुछ दिन मजे में बिता के जाओगे, लेकिन आपने पीछे छोड़ा हुआ प्लास्टिक और कचरा लाइफ टाइम यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को पोल्यूट करता रहेगा। कल रात को बिना नींद की वजह से जो हालत हुई थी उससे अभी भी पूरी तरह से हम लोग उबर नहीं पाए थे। तो बाजू में गद्दा देख के विशाल और अरविंद दोनों ने अपना तन मन उस गद्दे पे पूरी तरह से अर्पण कर दिया। पूरे 1 घंटे की नींद लेके हम लोग निकले अगले सफर पे। अगला कैंपिंग साइट था पुरने गांव, जहां हमें आज रात रुकना था। गोम्बो रंजन से पुरने की दूरी हार्डली 35-40 किलोमीटर है, लेकिन हमारे अंदाज से ये दूरी तय करने में 3-4 घंटे लगने वाले थे। देखते ही देखते हम पहुंच गए कुरग्याक विलेज। कुरग्याक में एक चेक पोस्ट है जहां आपका और आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कोविड पैंडेमिक पीरियड में यहां रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता था। लाइसेंस भी करना पड़ेगा? हां, आपका नाम, लाइसेंस, तीनों का नहीं, जो चला रहा है उसका चाहिए। ठीक है। बाइक नंबर लिखो और बाइक कौन सा है, एमएल है ना? हां, कितना आदमी है बाइक में? ओके, बाइक सब लड़का है ना, यहाँ मेल में लड़का लिखो। व्हीकल नंबर, एक मिनट, ये गाड़ी से नंबर का है विशाल? हाँ,
दरअसल दारचा छोड़ने के बाद जब हम झंस्कर वैली में प्रवेश करते हैं तो कुर्गेक इस रूट पे लगने वाला ऑफिशियली सबसे पहला गांव है। कुर्गेक सच में अपने आप में एक बहुत ही सुंदर कस्बा है। गांव में बसे हुए घर पूरी तरह से सस्टेनेबल वे में बनाए हुए है। ये सफेद कलर के मड हाउसेस गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मनाली छोड़ने के लगभग दो दिन बाद हम कोई गांव देख रहे थे। जस्ट इमेजिन, आज से 3 से 4 साल पहले जब ये रास्ते नहीं थे तो ये लोग इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे फेस करते होंगे। यह हमें जियो मोबाइल का नेटवर्क टावर भी दिखाई दिया। अगर आपके पास यहाँ का लोकल जियो सिम होगा तो ही आपको नेटवर्क मिलेगा, लेकिन अगर आप हम जैसे अदर स्टेट का सिम कैरी करते हो तो आपको इस टावर का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क आने से हिमालय की ये रिमोट वैली आज आज़ादी के 75 साल बाद पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। कुर्गे के बाद पुरने तक आपको खी, दांगजे, तेथा ऐसे बहुत सारे गांव रास्तों में दिखने शुरू हो जाएंगे। ये सारे गांव इतने छोटे हैं कि हार्डली आपको 5 से 6 घर हर गांव में दिखाई देंगे, लेकिन हर घर के पीछे खेती लायक जमीन भी उतनी ही बड़ी दिखेगी। यहाँ के स्थानिक लोग सही मायने में रिच है। हम जैसे शहरवासियों के पास जो जो चीज़ें नहीं वो सब इन लोगों के पास है। पोल्यूशन फ्री हवा, हिमालय का पानी, पेस्टिसाइड से मुक्त खेती, सबसे इम्पोर्टेंट दिल को सुकून देने वाली यहाँ की शांति और मन को लुभाने वाली सुंदर वादियाँ। बाइक 3rd से ऊपर वाले गियर में चल ही नहीं पा रही थी। अब आपको पता चला होगा कि इस 30 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें इतना वक्त क्यों लगने वाला था। इस रफ रोड की वजह से बीच बीच में रेस्ट की भी जरूरत महसूस हो रही थी। यही वो पल होते हैं जो आपको सोचने को मजबूर करते हैं, लाइफ में ब्रेक क्यों जरूरी है। ये पल सिखाते हैं कि कैसे इस भागदौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा सुकून वाला ब्रेक लेके इन पहाड़ों में खोके खुद को ढूंढे। इन सब के बावजूद पहाड़ों का जो व्यू था उसका कोई कंपैरिजन नहीं। एक तरफ ये ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ कुर्गेक रिवर की वैली को रखते हुए ये सफर जारी था। इन मैनमेड धूल के अंधियों से रोड तक दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ बेशक आपको दोनों व्हीकल में सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए चलना होता है। आखिरकार हम पहुंच गए पुरने विलेज जहाँ हमें आज रात स्टे करना था। पुरने गांव बसा है सरफ और कुर्गेक रिवर के संगम पे। पुरने में आपको बहुत सारे होमस्टे मिल जाएंगे, लेकिन जबकि हमें कैंपिंग करनी थी तो हम तलाश में थे एक शांत और एक सुंदर जगह के। हमें पुरने में कोई खास जगह मिली नहीं तो हम आगे गए और पुरने से बस कुछ ही दूर पे एक घर दिखाई दिया। वहां इंक्वायरी की तो वहां की लेडी लामा ने हमें उनके घर के बाजू में कैंपिंग करने के लिए परमिशन दी। आज लाइफ में थोड़ी लग्जरी आई थी। कल जहाँ नीचे पत्थर कंकड़ पे सोए थे वही आज कैंपिंग के लिए घास का गद्दा मिला था। बैक साइड में सामान रखने के लिए बढ़िया जगह थी। पीने के लिए ग्लेशियर का साफ सुथरा पानी था और अब तक हम भी कल के फटिक से अच्छी तरह से रिकवर हो चुके थे। कल हमें जाना है वहाँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस वर्चुअल जर्नी को और एडवेंचरस बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये वैली कल्चरली और हिस्टोरिकली कितनी रिच है। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां आज भी दुनिया भर के लोग शांति की तलाश में आते हैं।